हम सीधे बात करते हैं प्लास्टिड्स की। प्लास्टिड में तीन चीज़ें आती हैं, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ये तीन चीज़ें आती हैं। कौन कौन चीज़ें आती हैं प्लास्टिड में? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ये तीन चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, हम लोग बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। ठीक, हेडिंग लिखिए क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोस का मतलब जो क्लोरोफिल से बना हो, ठीक है, ऐसा ऑर्गेनेल जो क्लोरोफिल से बना हो, हैविंग क्लोरोफिल। ठीक है बच्चों, अब क्लोरोप्लास्ट जो स्ट्रक्चर है वह डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है बच्चों। यहां दिखाएं आपको, आउटर मेम्ब्रेन परमिएबल होती है इसलिए कोई बहुत अच्छा रोल प्ले नहीं कर पाती, बट होती है। इनर मेम्ब्रेन परमिएबल नहीं है, सेलेक्टिवली परमिएबल है, बहुत सारे रोल प्ले करती है। इस डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर के अंतर्गत अंदर लिक्विडी मटेरियल भरा रहता है जिसे हम स्ट्रोमा बोलते हैं। ठीक है, ये लिक्विडी मटेरियल भरा रहता है इसके अंतर्गत जिसे हम बोलेंगे स्ट्रोमा। क्या बोलेंगे इसे? अरे जोर से बोलो। गुड, स्ट्रोमा। साथ साथ इसके अंतर्गत भरा रहता है, इसके अंदर भरा रहता है स्टैक्ड फॉर्म में सैक लाइक स्ट्रक्चर, बहुत सारे ऐसे जिसे हम ग्राना या ग्रेनम बोलेंगे। अभी मैं इसको बाहर निकाल के आप लोगों को दिखाऊंगा कैसा दिखता है। ये बहुत सारे सिक्के को एक के ऊपर एक करके अरेंज कर दिया जाए, स्टैक्ड फॉर्म में कर दिया जाए, इस तरह का ये स्ट्रक्चर दिखता है। ठीक है, ग्रेनम, सिंगल को ग्राना, और ये दोनों, इसका टॉप दूसरे के एंड से जुड़ा रहेगा, इसका टॉप दूसरे के एंड से जुड़ा रहेगा, इसे कहेंगे ग्राना लैमेली या स्ट्रोमा लैमेली। सिर्फ लैमेली लिखिए, लैमेली। इसे क्या कहेंगे? इसे क्या कहेंगे? ग्रेनम। स्टैक्ड फॉर्म में है, सिंगल को ग्राना, आपस में जुड़े रहेंगे किससे? लैमेली से। किसके अंतर्गत, किस लिक्विड में भरे हुए हैं? स्ट्रोमा में भरे हुए हैं, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब बात करते हैं ग्रेनम की। एक बाहर निकाल, ऐसे देखिए इसका स्ट्रक्चर इस तरह से दिखता है। यहां का स्ट्रक्चर बाहर निकाल के जूम करके दिखाया जा रहा है। ठीक, सिंगल को बाहर निकालें, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा। गोल वाला टिफिन बॉक्स देखे हैं आप लोग, जो स्टील का बना हुआ गोल वाले टिफिन बॉक्स नहीं आते हैं, चार या पांच स्टैक्ड फॉर्म में उसमें होते हैं कंटेनर, देखा है आप लोगों ने? सपोज करिए यह वही है, उसके एक भाग को बाहर निकाल लिया गया। ठीक, अब उस भाग में देखेंगे सेंटर में एक बड़ा रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल का बना हुआ भरा रहेगा, और आसपास डिफरेंट कलर के पिगमेंट्स भरे रहेंगे। यहाँ देखिए, फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत ऐसा याद आ रहा है। ठीक है, डिफरेंट कलर के पिगमेंट्स उस टिफिन कैरियर में भरे रहें। सपोज करिए कि रसगुल्ले भर दिए जाएं इस टिफिन कैरियर में, कुछ इसी तरह का रहेगा और बीच में एक बड़ा रसगुल्ला भरा रहेगा। इस बड़े वाले को रिएक्शन सेंटर बोलेंगे, बाकी सब एसेसरी पिगमेंट्स हैं। इस बड़े वाले पिगमेंट के अलावा जिसे रिएक्शन सेंटर करें, उसके अलावा जो भी मौजूद हैं उन्हें कहेंगे एसेसरी पिगमेंट्स। क्या कहेंगे बच्चों? एसेसरी पिगमेंट्स। ठीक, ये हुआ अपना क्लोरोप्लास्ट के बारे में। समझ गए आप सब? क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जिसके अंतर्गत जो लिक्विडी मटेरियल है स्ट्रोमा कहेंगे, जो स्टैक्ड फॉर्म में पाया जाता है ग्रेनम, सिंगल को ग्राना, उसके अंतर्गत भरे रहते हैं क्या? डिफरेंट टाइप के क्लोरोफिल्स या डिफरेंट टाइप के पिगमेंट मटेरियल। जो सबसे बड़ा पिगमेंट मटेरियल है उसे रिएक्शन सेंटर कहते हैं, और रिएक्शन सेंटर के आसपास के बाकी सभी को एसेसरी पिगमेंट्स कहते हैं। लिखवाने की आवश्यकता नहीं, समझ चुके हैं आप लोग, खुद भी लिख सकते हैं, वीडियोज भी अपलोड हो जाएंगी। ठीक,
अब बात करेंगे राइबोसोम के बारे में। किसकी बात करने जा रहे हैं हम लोग? राइबोसोम। जो प्लांट सेल में राइबोसोम है उसकी खोज की थी रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने। द राइबोसोम डिस्कवर्ड इन प्लांट सेल बाय रॉबिन्सन एंड ब्राउन 1953। रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने प्लांट सेल में राइबोसोम की खोज की थी कब? 1953 में। अच्छा, डिस्कवरी इन एनिमल सेल बाय पेलाडे 1955। पेलाडे ने एनिमल सेल में इसकी खोज की थी 1955 में। पेलाडे ने ही राइबोसोम टर्म भी दिया। द टर्म राइबोसोम इज प्रोवाइडेड बाय पेलाडे। पेलाडे ने ही यह टर्म दिया था। क्या काम है? राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। क्यों कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल? देखिए बच्चों, जितने भी प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, जितने भी प्रोटीन की सिंथेसिस होगी सेल के अंतर्गत, वह राइबोसोम के द्वारा ही की जाएगी, राइबोसोम के द्वारा ही की जाएगी। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि सर राइबोसोम की सिंथेसिस कौन करेगा? प्रश्न उठता है ना कि चलिए ठीक है, राइबोसोम तो प्रोटीन बनाता है यह मान लिया, लेकिन राइबोसोम को किसने बनाया? राइबोसोम को बनाया है न्यूक्लियोलस ने। किसने बनाया है? न्यूक्लियोलस। अच्छा, वेयर न्यूक्लियोलस सिचुएटेड? न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस। राइबोसोम की फॉर्मेशन होती है न्यूक्लियस के, न्यूक्लियोलस के अंदर। अब राइबोसोम जो है, राइबोसोम दो प्रकार के होंगे, बेसिकली दो प्रकार के राइबोसोम होते हैं, 70S राइबोसोम और दूसरे होंगे 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम, ठीक है। बेसिकली दो प्रकार के ही राइबोसोम पाए जाते हैं, 70S और 80S राइबोसोम, ठीक है। 70S राइबोसोम मिलके बना होता है 50S प्लस 30S राइबोसोम के सब यूनिट से, दो सब यूनिट से मिलके बना होता है। 50 और 30 तो 70 होना चाहिए, 80 है 50-30, ऐसा क्यों होगा? ऐसा फर्क ना समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्यों हुआ 50 और 30 क्यों हुआ? देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूं S का क्या मतलब है। S का मतलब है स्वेडबर्ग कोफिशियंट। S का क्या मतलब है? स्वेडबर्ग कोफिशियंट। S का मतलब है स्वेडबर्ग कोफिशियंट। लेकिन होता क्या है, ये हमने राइबोसोम को लिया, राइबोसोम को आइसोलेट करने के बाद सेंट्रीफ्यूज में डाला और स्पिन किया, गोल गोल घुमाया और देखा कि राइबोसोम किन पार्ट्स में टूटा। जिन दो पार्ट्स में टूटा वो है 50S और 30S। किस में टूटा? 50S और 30S। इसका मतलब यह है कि जो राइबोसोम है वह दो सब यूनिट से मिलकर के बना होता है। कैसे पता चला? यह पता चला जब हमने राइबोसोम को सेल से आइसोलेट किया, आइसोलेट करने के बाद सेंट्रीफ्यूज, एक मशीन है जो किसी भी परखनली को गोल गोल घुमाती है, दैट्स इट। अब परखनली हो या क्यूबेट हो, उसके अंदर जगह बना होता है, हम उसमें डाल देते हैं, वो स्पिन करता है, इलेक्ट्रिक मोटर से चलता है, ठीक। हमने क्यूबेट के अंदर राइबोसोम को डाला और स्पिन किया, स्पिन करने के बाद देखा कि वह राइबोसोम दो पार्ट में टूट गया, दो पार्ट में टूट गया, यानी दो सब यूनिट्स में टूट गया, सब यूनिट लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट, ठीक, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट में टूट गया। यह देखा गया 70S राइबोसोम के केस में, दो प्रकार के राइबोसोम देखे गए हैं, 70S और 80S। 70S के केस में यह देखा गया कि वो जो लार्ज सब यूनिट था वह था 50S, जो स्मॉल सब यूनिट था वह था 30S। किसके केस में देखा गया था? यह देखा गया था 70S राइबोसोम के केस में। अब यह भी ध्यान दीजिए बच्चों, 70S राइबोसोम पाया जाता है प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में, ठीक है, और सेल ऑर्गेनेल्स में, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स जिनके पास अपना डीएनए हो, प्रोकैरियोट्स हैं,
सेल ऑर्गेनेल्स में। एटीएस राइबोसोम पाया जाता है किसमें? एटीएस राइबोसोम पाया जाता है प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में, सॉरी, एटीएस राइबोसोम पाया जाता है यूकैरियोट्स में, ठीक, यूकैरियोट्स में या हायर ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। लेकिन अगर यूकैरियोटिक सेल के अंदर कोई सेल ऑर्गेनेल पाया जा रहा है तो उसमें क्या पाया जाएगा? 70S राइबोसोम। तो 70S राइबोसोम कहां कहां देखने को मिल सकता है? एक तो प्रोकैरियोटिक सेल में मिल सकता है, दूसरा मिल सकता है किसमें? ATS में भी मिल सकता है। कहां? उसके अंतर्गत अगर कोई सेल ऑर्गेनेल पाया जा रहा है तो उसके अंदर भी यह पाया जाता है, ठीक। तो 70S राइबोसोम इज मेड अप ऑफ टू सब यूनिट्स, 50S एंड 30S, इन विच S इंडिकेट्स द स्वेडबर्ग कोफिशियंट, ठीक है, या फिर सेडिमेंटेशन कोफिशियंट। जब हम स्पिन कराएंगे तो दो सेडिमेंट बनेंगे, अपर और लोअर में दो सेडिमेंट्स बन जाएंगे, इन्हें स्वेडबर्ग यूनिट या कोफिशियंट या फिर सेडिमेंटेशन कोफिशियंट कहते हैं, सेडिमेंटेशन कोफिशियंट। तो ATS के क्या दो सब यूनिट थे? कौन कौन से? 60S और 40S। द लार्ज सब यूनिट इज 60S, द स्मॉल सब यूनिट इज 40S। एक चीज और, माइटोकॉन्ड्रिया के केस में एक्सेप्शन है। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेल है तो उसके पास कौन सा होगा राइबोसोम? उसके पास होगा 70S राइबोसोम। लेकिन जब हम माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम को सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो हमें 50S ना मिलकर के 55S राइबोसोम मिलता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के केस में क्या मिलेगा बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया के में 55S मिलेगा, जबकि इसके पास होता कौन सा है? 70S राइबोसोम ही होता है। लेकिन जब उसे दो पार्ट में हम तोड़ते हैं सेंट्रीफ्यूज के द्वारा तो हमें एक 55S राइबोसोम मिलता है और दूसरा 30 ही रहता है, दूसरा 30 ही रहता है। एक चीज और, लोग हमेशा कंफ्यूज करेंगे क्यों भाई 50+30 ATS क्यों नहीं हुआ या नहीं होगा कभी? क्यों? क्योंकि यह जोड़ने से नहीं बनाया गया है बच्चों, यह बनाया गया है सेडिमेंटेशन के आधार पर, कि सेडिमेंट कहां इकट्ठा हुआ है उसके आधार पर बनाया गया। और S क्या है? स्वेडबर्ग कोफिशियंट। क्या है? स्वेडबर्ग कोफिशियंट है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। S इज मीन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ S इन 70S एंड 80S राइबोसोम्स? स्वेडबर्ग कोफिशियंट, गुड। सभी को पता चल गया? अब क्या पढ़ना है हम लोग को? अच्छा, दो सब यूनिट का मिलकर एक लार्ज सब यूनिट होगा, एक स्मॉल सब यूनिट होगा। खास बात यह है कि लार्ज सब यूनिट के ऊपर स्मॉल सब यूनिट बहुत परफेक्टली फिक्स हो जाती है। यहां एक स्टार लगा के लिख देते हैं, द स्मॉल सब यूनिट कैन एबल टू फिक्स परफेक्टली able to fix perfectly over large subunit, ठीक है, over large subunit। बच्चों यह आपस में फिक्स होते हैं, इनमें ई पी और ए ग्रुप पाए जाते हैं, नाम लिखिएगा ई पी और ए ग्रुप। जब मैं प्रोटीन सिंथेसिस बताऊंगा तो यह बताऊंगा कि ईपीए ग्रुप जो हैं किस किस काम में आते हैं। फिलहाल यह मानिए कि ये आपस में एमआरएनए को ट्रैप कर लेंगे और आग एक ऐसे स्ट्रक्चर बना दूं। सपोज करिए बच्चों ये एक एमआरएनए है और इस पर किसी डिफरेंट कलर से बनाए तो ज़्यादा समझ में आएगा। एक ये स्मॉल सब यूनिट और एक लार्ज सब यूनिट, यह आगे बढ़ता चला जाएगा। यह राइबोसोम है, यह एमआरएनए है, ठीक है, यह एमआरएनए है और यह क्या है? राइबोसोम है। आगे बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे यह आगे बढ़ेगा एमआरएनए की इंफॉर्मेशन के आधार पर एक प्रोटीन बनता निकल जाएगा बाहर की तरफ। यह प्रोटीन बाहर निकल रहा है, जैसे जैसे यह आगे बढ़ेगा इसके यहां ईपीए ग्रुप से धीरे धीरे प्रोटीन बाहर की तरफ निकलता चला जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया प्रोटीन सिंथेसिस के अंतर्गत पढ़ाई जाएगी। फिलहाल यह समझ लीजिए कि जैसे जैसे यह बाहर आगे की तरफ बढ़ेगा
प्रोटीन बाहर की तरफ सिंथेसाइज होता चला जाएगा। तो राइबोसोम का मुख्य काम क्या है? राइबोसोम का मुख्य काम है प्रोटीन की सिंथेसिस करना, ठीक है। अच्छा, हमने बताया था कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज स्मूथ एंड सेकंड इज रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके ऊपर कौन बंध जाता है, आके अटैच हो जाता है? राइबोसोम आकर के अटैच हो जाता है। राइबोसोम को अटैच होने के लिए कोई गोंद चाहिए, कैसे चिपकेगा? कोई ग्लू चाहिए, कोई चीज चाहिए, कैसे चिपकेगा? राइबोसोम कैन एबल टू बाइंड ओवर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद द हेल्प ऑफ राइबोफोरिन आर एसआरपी प्रोटीन्स, ठीक है। यहां स्टार लगा के लिख देते हैं, राइबोसोम कैन एबल टू बाइंड विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विथ द हेल्प ऑफ राइबोफोरिन। ध्यान से लिखिएगा बच्चों, राइबोफोरिन ऑब्लिक एसआरपी प्रोटीन, एसआरपी प्रोटीन, ठीक है, एसआरपी प्रोटीन। यह हुआ अपना राइबोसोम। अच्छा, राइबोसोम फंक्शन के आधार पर भी तीन प्रकार के हो सकते हैं। नॉर्मली प्रोकैरियोट्स में कौन से पाए जाते हैं? 70s। यूकैरियोट्स में कौन से पाए जाते हैं? 80s। लेकिन यूकैरियोट्स के ऑर्गेनेल्स में कौन सा पाया जाएगा? 70s राइबोसोम, ठीक है। अच्छा, कौन से ऑर्गेनेल हैं जिसमें 70s राइबोसोम पाया जा सकता है? पहला बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा, क्लोरोप्लास्ट पाया जा सकता है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया एक एक्सेप्शनल केस है। क्या केस है उसमें एक्सेप्शनल? जब हम उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो, हाँ बोलिए जी, हाँ, उसमें जो है 50s में ना टूट करके उसका जो कोएफिशिएंट है वह है 55s। यह एक एक्सेप्शनल केस होता है, ठीक। ये हो गया बच्चों। अब राइबोसोम फंक्शन के आधार पे तीन प्रकार के होंगे, कौन कौन से? आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। आइए देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन इट कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स। पहला आरआरएनए, राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड, टीआरएनए ट्रांसफर राइबोसोम है, और एमआरएनए मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। यह है राइबोसोमल, राइबोसोमल आरएनए। सबका फुल फॉर्म लिखा हुआ है बच्चों, ध्यान से लिखिएगा, मिस्टेक ना हो बाद में। टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए तीन प्रकार के हैं। राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और मैसेंजर आरएनए, इनका फुल फॉर्म है। क्या काम है भैया? पहला काम, प्रोटीन किससे किससे मिलके बना होता है बच्चों? प्रोटीन इज मेड अप ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एमिनो एसिड्स। प्रोटीन इज कॉन्स्टिट्यूटेड विथ एमिनो एसिड। बहुत सारे अलग अलग एमिनो एसिड आपस में जुड़ जाएं तो उसे क्या बोलेंगे? प्रोटीन बोलेंगे, प्रोटीन बोलेंगे। क्या मतलब है भाई प्रोटीन? ध्यान दीजिए बच्चों, प्रोटीन अगर आपको बनाना है तो क्या करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे बहुत सारे, ये जो गोल गोल हैं ये क्या हैं? एमिनो एसिड्स हैं, एमिनो एसिड्स हैं। और कितने प्रकार के एमिनो एसिड संभव हैं? इसेंशियल, नॉन इसेंशियल, यह सब कुछ एमिनो एसिड केस में जब मैं न्यूक्लिक एसिड बताऊंगा तो अच्छे से बता दूंगा। प्रोटीन सिंथेसिस में भी यही पढ़ना है, ठीक है। अमीनो एसिड्स के आपस में जुड़ने से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। तो यह जुड़ेगा कैसे? इसको जुड़ने के लिए, प्रोटीन को ले आने के लिए, अमीनो एसिड्स को राइबोसोम तक लाने के लिए जो आरएनए काम में आते हैं उसे कहेंगे ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए फंक्शन क्या है? ट्रांसफर आरएनए का ट्रांसफर करता है किसको? अमीनो एसिड्स को। किसके पास? राइबोसोम तक। काहे के लिए? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ट्रांसफर आरएनए, द फंक्शन ऑफ ट्रांसफर आरएनए इज टू ट्रांसफर एमिनो एसिड्स टुवर्ड्स राइबोसोम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, ओके। एमआरएनए का क्या काम है? मैसेंजर आरएनए। इसी के पास इंफॉर्मेशन होती है
कि कौन कौन से एमिनो एसिड को आपस में जोड़ करके कौन सा प्रोटीन बनाना है। जैसे बालों के लिए केराटिन प्रोटीन, अलग अलग जगह के लिए अलग अलग तरह के प्रोटीन बनाए जाते हैं। तो वो इंफॉर्मेशन कौन देगा? वह इंफॉर्मेशन देगा mRNA, फुल फॉर्म है मैसेंजर RNA। लेकिन और RRNA क्या करेगा? RRNA पहला काम करेगा प्रोटीन सिंथेसाइज करवाएगा, पहला काम। दूसरा काम, tRNA और mRNA को आदेश देगा कि आप लोग एक दूसरे से अटैच होइए और प्रोटीन सिंथेसिस को शुरू करिए। RRNA इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस एज वेल एज गिव इंस्ट्रक्शंस टू tRNA एंड mRNA टू कोलैबोरेट एंड स्टार्ट द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। समझ में आया बच्चों? यस सर। एक बार फिर से समराइज कर दूं, कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो गई। प्रोटीन जो है डिफरेंट टाइप के एमिनो एसिड से मिलके बना होता है। अब वो एमिनो एसिड कैसे आपस में जुड़ेंगे, उसका काम ले आने का काम करता है tRNA। किस प्रकार के एमिनो एसिड आपस में जुड़ें, यह इंफॉर्मेशन किसके पास होती है? mRNA के पास, मैसेंजर RNA के पास। लेकिन इनको कोई आदेश करेगा ना कि आओ अब जुड़ जाओ, यह आदेश करने का काम करता है RRNA। इसके साथ साथ RRNA प्रोटीन सिंथेसिस का भी काम करता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट राइबोसोम। अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। हेडिंग लिखिए न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हिंदी में केंद्रक। क्या काम है भाई केंद्रक का? सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में इसको खोजा था। किसको? न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाय ब्राउन 1831, ठीक है, 1831 में न्यूक्लियस की खोज की थी। एक सपोज करिए सेल बना देते हैं। जनरली हम लोग कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना देते हैं और कह देते हैं कि यह एक न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस इज नॉट अ सिंपल थिंग, इट हैज मेनी पार्ट्स, ठीक है। पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस नोट करिए, पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस क्या हैं? पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस, पहला है जेनेटिक मटेरियल होगा इसके पास, मटेरियल होगा। इस वॉल से जो घिरा हुआ है न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा रहता है, तो इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसको घेरे रखेगा? जेनेटिक मटेरियल को। और किसको घेरे रखेगा? न्यूक्लियोप्लाज्म को, न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके बाद इसके अंदर क्या होगा? न्यूक्लियोलस, सेंट्रियोल। और क्या होगा बच्चों? डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स होंगे। न्यूक्लियस जो है अपनी सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को गवर्न करता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी को गवर्न करने के क्या होगा? कुछ प्रोटीन बनाएगा, कुछ जेनेटिक मटेरियल को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में शिफ्ट करेगा। तो केंद्र है ये, यहां से जो प्रोटीन बनेगा उसको बाहर जाना भी होगा। बाहर से जो बना हुआ प्रोटीन है कुछ अगर आवश्यकता है तो इसे न्यूक्लियस में भी आना पड़ेगा। तो प्रोटीन एक्सपोर्ट, द प्रोटीन विच हैव एक्सपोर्ट सिग्नल, ऐसे प्रोटीन जिनके पास एक्सपोर्ट सिग्नल हो कि न्यूक्लियस बने उसके पास सिग्नल हो कि आप बाहर जाएंगे, जिसके बाद पास होगा, पासपोर्ट होगा, वही बाहर जाएगा। ऐसे प्रोटीन्स भी होंगे यहाँ पर। इसके साथ साथ ऐसे विटामिन्स और भी चीज़ें होंगी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी को, जो हमारे जेनेटिक मटेरियल को गवर्न करते होंगे, आयंस होंगे, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी इसके अंतर्गत। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। यह 6 तो मुख्य हैं बच्चों। क्या क्या हैं? सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो घेरे रखता है किसको? जेनेटिक मटेरियल को और न्यूक्लियोप्लाज्म को, साथ में न्यूक्लियोलस, सेंट्रियोल, प्रोटीन्स और भी बहुत सारी चीज़ें, आयंस, कैल्शियम आयन, ये सारे आयंस भी इसमें पाए जाते हैं। आइए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें, बाहर से अंदर की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। देखो बच्चों, आपने देखा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में दो लेयर दिखाई दे रही हैं,
जो बाहर की तरफ है उसे कहेंगे आउटर मेम्ब्रेन, अंदर की तरफ है इनर मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच में जो स्पेस पाया जा रहा है पेरिप्लाज्मिक स्पेस, इन दोनों के बीच में एक स्पेस पाया जाता है जिसे कहेंगे पेरिप्लाज्मिक स्पेस। ये साधारण स्पेस नहीं है, इसके अंतर्गत सारे ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक, अच्छा, बीच बीच में आपको ये गैप मिल रहा है। बहुत सारे प्रकार के, करीब 4 प्रकार के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर पाए जाते हैं। ठीक, नॉर्मल जो पोर है उसे हम लोग कहेंगे न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स या सिंपल नहीं है, इसके अंतर्गत भी कई पार्ट होते हैं। जब हम प्रोटीन सिंथेसिस बताएंगे तो ये बताएंगे। फिलहाल यह जानिए ये जो हिस्सा है इसका, ये हिस्सा ये क्या है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसके अंदर क्या भरा रहेगा, न्यूक्लियो प्लाज्म भरा रहेगा, लिक्विड मटेरियल या सेमी लिक्विड मटेरियल न्यूक्लियो प्लाज्म। साथ में आपको कंडेंस फॉर्म में दिखाई देगा जेनेटिक मटेरियल। द कंडेंस फॉर्म ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज नोन एज क्रोमेटिड या क्रोमेटिन थ्रेड, क्रोमेटिड। बच्चों जब मैं क्रोमेटिड लिखा हूं तो कब क्रोमेटिन बनता है, कब डीएनए के फॉर्म में रहता है, यह भी मैं बताऊंगा। पहले ये स्ट्रक्चर को क्लियर कर दिया जाए। सेंट्रियोल क्या करेगा, सेंट्रियोल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स या फिर फिलामेंटस मटेरियल, ये है सेंट्रियोल। ये समझ में आई बात। अच्छा, कब क्रोमेटिड कहेंगे, सबसे पहले यह जानिए क्रोमेटिन जो है एक कंडेंस फॉर्म ऑफ जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए को पैक कर दिया जाता है तो वह क्रोमेटिड में बदल जाता है, लेकिन खोलना भी आवश्यक है। जब हमें रेप्लिकेशन करना होगा, जब हमें सेल डिवीजन कराना होगा, तो डीएनए को थोड़ा ढीला करेंगे ताकि उसके जीन्स आपस में क्लियर दिखाई दें, जीन्स ओपन होंगे ताकि हमें उसके जेनेटिक कोड क्लियर दिखाई दें और फिर उसका रेप्लिकेशन हो सके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीएसआईआर में पूछा जाता है। एक यहां बना दे रहा हूं स्ट्रक्चर बच्चों, आप लोग भी बना लीजिएगा। सीएसआईआर में कई बार पूछा है, बहुत धोखा देता है बच्चों को। ये देखिए बच्चों, एक इस तरह का स्ट्रक्चर बनाइए। इसके अंतर्गत ये लीनियर में क्या है, डीएनए है। क्या है ये, लीनियर फॉर्म ऑफ डीएनए है। इसकी जो थिकनेस है वो 2 nm की है, 2 nm फाइबर, इसीलिए इसे कहेंगे 2 nm फाइबर। जब इसे पैकेजिंग इसकी स्टार्ट होगी तो इस 2 nm फाइबर में हिस्टोन प्रोटीन आकर के बांध दिए जाएंगे। आप लोगों ने कैसे बांधेंगे, मोतियों की माला देखी है, चलिए यहां दिखाते हैं आपको मोतियों की माला। एक स्ट्रिंग है, धागा है, और उस पर बीड्स आकर के जुड़ी हुई है। ठीक, कुछ इसी तरह की माला इस डीएनए के ऊपर हिस्टोन प्रोटीन आके बच जाएगा, ऐसा नजर आएगा बच्चों। ठीक, हिस्टोन प्रोटीन आके बाइंड हो गया। आप लोग में से कोई यह पूछ सकता है कि क्यों डीएनए को हम बाइंड कर रहे हैं, क्यों डीएनए को हम कॉम्पैक्ट करते जा रहे हैं। कॉम्पैक्ट करना आवश्यक है बच्चों, क्यों, क्योंकि हमें कम से कम स्पेस में डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कीप करना है, रखना है। कहाँ कहाँ आप ऐसा एग्जाम्पल देखने को मिल सकता है, ह्यूमन स्पर्म में जेनेटिक मटेरियल पूरा होता है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल, हाफ ऑफ द जेनेटिक मटेरियल तो होता ही है, उसको जो आंखों से भी नहीं दिख पाता स्पर्म, उसमें भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, उससे पूरी बॉडी निर्माण होती है। ऐसा करने के लिए उसे कॉम्पैक्टली पैक करना होगा। पैक करने के लिए डिफरेंट सिस्टम होते हैं। नॉर्मल डीएनए फैला रहता है, इसको पैक कर जाता है हिस्टोन प्रोटीन से। अब इसकी साइज हो गई 11 nm। ठीक,
इस हिस्टोन प्रोटीन के साथ एक लिंकर डीएनए आके नेक्स्ट स्टेज में बाइंड हो जाएगा, यह है लिंकर डीएनए, लिंकर डीएनए। ये क्या है ग्रीन कलर से? हिस्टोन प्रोटीन। अब इसकी साइज हो जाएगी 30 nm। जब 30 nm फाइबर में प्रेजेंट होता है स्ट्रक्चर, तो ही हम उसे कहेंगे क्रोमैटिड। क्या कहेंगे? क्रोमैटिन फाइबर या क्रोमैटिड। इसका मतलब जहां भी आपको शब्द मिलेगा क्रोमैटिन या क्रोमैटिड, आप यह समझेंगे कि उस जेनेटिक मटेरियल को हाईली कॉम्पैक्ट फॉर्म में रखा गया है विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन प्रोटीन एंड लिंकर डीएनए। तो सीएसआईआर में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉर्मल डीएनए को कॉम्पैक्ट करने के लिए कौन से दो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल हैं, विच आर द टू प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉम्पैक्ट पैकेजिंग ऑफ द जेनेटिक मटेरियल डीएनए। ऑप्शंस दिए रहते हैं हिस्टोन प्रोटीन अलोन, लिंकर डीएनए अलोन, या फिर हिस्टोन प्लस लिंकर डीएनए, नन ऑफ द एबव। तो आप लोग किसको टिक करेंगे? हिस्टोन प्लस लिंकर डीएनए। अगर हिस्टोन जुड़ता है तो डीएनए 2 nm से 11 nm फाइबर में बदल जाएगा, 11 nm फाइबर जब लिंकर डीएनए से जुड़ता है तो वह 30 nm फाइबर में बदल जाएगा। अब इसके बाद अगर 30 nm फाइबर में हम लोग एक प्रोटीन के स्कैफोल्ड को जोड़ दें, जिसे हम स्कैफोल्ड प्रोटीन कहते हैं, वह बदल जाएगा 300 nm फाइबर में, हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। ये प्रोटीन का स्कैफोल्ड है, नीचे अपना लिंकर डीएनए है ही अवेलेबल, साथ में हिस्टोन प्रोटीन, और ये फाइबर का हो गया 300 nm फाइबर। समझ गया, आ गया बच्चों किस तरह से पैकेजिंग होगी? 2 nm, 11 nm, 30 nm और 300 nm। कैसे कैसे बना? डीएनए नॉर्मल लीनियर था, उसके अंदर सबसे पहले क्या आके जुड़ा है? हिस्टोन प्रोटीन। उसके बाद क्या उससे आके जुड़ा है? लिंकर डीएनए। लिंकर डीएनए के बाद क्या आके जुड़ा है? प्रोटीन स्कैफोल्ड आके जुड़ गया। और जब प्रोटीन का स्कैफोल्ड हो गया तो उसे कहेंगे 300 nm फाइबर। लेकिन जब हम क्रोमैटिन या क्रोमैटिड थ्रेड के बारे में बात करेंगे तो वह कितने nm का होगा? मैं छुपा लेता हूं उसे। अब बताओ, जब हम प्रोटीन की बात करें, क्रोमैटिन की बात करें, तो क्रोमैटिन कितने nm फाइबर को कहते हैं? 30 nm, 30 nm को कहते हैं। कौन कौन से प्रोटीन से मिलके बना होता है? लिंकर डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन और लिंकर डीएनए से मिलकर के बना होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियस। समझ में आ गया? हम बात करेंगे अब सेंट्रियोल के बारे में। सेंट्रियोल क्या करता है? माइक्रोट्यूबुल्स को, ऑर्गेनाइजेशन को देखता है। कब? आपने देखा होगा कि जब मीडियम फेज, मीडियम लाइन पे क्रोमोसोम्स अटैच हो जाते हैं, हाँ इसको क्रोमोसोम कहेंगे, जब मीडियम लाइन पे क्रोमोसोम अटैच हो जाते हैं, फिर उसे डिफरेंट पोल्स पे मूवमेंट के लिए माइक्रोट्यूबुल्स की आवश्यकता होती है। वो माइक्रोट्यूबुल सेंट्रियोल द्वारा बनाया जाता है। लेकिन सेंट्रियोल को बना, माइक्रोट्यूबुल को दोनों पोल पे बनाने के लिए दोनों पोल पे सेंट्रियोल का होना भी आवश्यक है। दोनों पोल पर सेंट्रियोल का होना भी आवश्यक है। कैसे दोनों पोल पे सेंट्रियोल पहुंचेगा? इसके लिए सेंट्रियोल को डिवाइड किया जाता है। क्या किया जाता है? सेंट्रियोल को डिवाइड किया जाता है। एक से तो होगा नहीं, दोनों ओर होना चाहिए। आइए देखते हैं। देखिए, अगर एक ये सेंट्रियोल है, उसके अंतर्गत दो बैरल शेप्ड स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, दो बैरल शेप्ड स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, एंड दीज टू बैरल शेप्ड स्ट्रक्चर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। व्हाट डज इट मींस? इट मींस वन इज प्रेजेंट एट द 90 degree ऑफ द अदर। इनके बीच में क्या, कितने अंक का डिग्री बनेगा कोण? 90 degree का। जब इसको डिवाइड करने की आवश्यकता होती है तो इन दोनों परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर के बीच की डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं। जैसे कि एक यहां बना दिया गया और एक दूसरा
यहां बना दिया गया। ओरिएंटेशन सेम रहती है, 90 डिग्री अभी भी होगा अगर पास में लाएं तो, लेकिन डिस्टेंस क्या हो गई, यहां से यहां की डिस्टेंस बढ़ गई बच्चों। अब क्या होगा इसके अगले फेज में, अभी दिख रहा है ना गुड़िया? चलिए, इसके अगले फेज में इन दोनों के आपसी, यहां देखिए वन को अगर इसे हम वन मान लें, वन के परपेंडिकुलर एक दूसरा बैरल शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक यहां बन गया। अब यहां पे ये ऐसे था, इसके परपेंडिकुलर एक दूसरा बैरल शेप स्ट्रक्चर बन जाएगा, बन गया। फिर बाद में नेक्स्ट स्टेज में कंस्ट्रक्शन होगा, कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है यहां पर, आगे चल के ये दो अलग अलग सेंट्रियोल बन जाएंगे, दो अलग अलग सेंट्रियोल बन जाएंगे। अब दीज टू डिफरेंट सेंट्रियोल्स मूव टुवर्ड्स द डिफरेंट पोल्स इनसाइड दिस सेल, अब अलग अलग सेल के पास पहुंच जाएंगे, क्या करेंगे, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी या दे एक्ट एज अ माइक्रोट्यूबुल ऑर्गेनाइजेशन सेंटर MTOC। क्या होगा, इनके बीच में माइक्रोट्यूबुल का फॉर्मेशन होगा, उससे क्या होगा, माइक्रोट्यूबुल्स जब हम लोग मेटाफेसिक प्लेट पर क्रोमोजोम्स को अरेंज करते हैं, सपोज करिए ये क्रोमोजोम जो हैं मेटाफेसिक प्लेट पे अरेंज हो गए, अब एक सेंट्रियोल यहां आ गया, दूसरा सेंट्रियोल यहां आ गया, इन ये क्या करते हैं, यह बना देते हैं, क्या बनाते हैं, माइक्रोट्यूबुल्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक, दोनों की तरफ से माइक्रोट्यूबुल आगे जुड़ गए, किससे, काइनेटोकोर से, और पुल करेंगे तो मूवमेंट किधर होगा, अलग अलग डिफरेंट पोल्स पे हाफ का बंटवारा हो जाएगा, हाफ क्रोमोजोम अपर एंड हाफ क्रोमोजोम मूव टुवर्ड्स द लोअर पोल विद द हेल्प ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स एंड द माइक्रोट्यूबुल्स आर ऑर्गेनाइज्ड विथ सेंट्रियोल्स विद द हेल्प ऑफ सेंट्रियोल्स। यही है काम सेंट्रियोल का, सेंट्रियोल कैसे डिवाइड हुए हैं, पहले तो सेंट्रियोल में दो परपेंडिकुलर बैरल से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जब वो परपेंडिकुलर बैरल से स्ट्रक्चर को डिवीजन करना होता है तो उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ा देते हैं, डिस्टेंस बढ़ा दी, फिर आपस में यहाँ पर उनके परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर का निर्माण हो जाता है, अगर यहाँ पे यहाँ ऐसे है तो इसका निर्माण हो जाएगा, ठीक, फिर बीच में कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है, कंस्ट्रक्शन के बाद दो अलग अलग सेंट्रियोल बन जाते हैं। ये हो गया न्यूक्लियस के बारे में, दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियस। जब हम क्रोमेटिन की चर्चा करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हम 30 nm फाइबर की बात कर रहे हैं, जो कि डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन और लिंकर डीएनए तीनों से मिलकर के बना होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे और आफ्टर सेल डिवीजन हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में बात करेंगे। जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स थे सारे हो चुके हैं, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या है, सेंट्रियोल, न्यूक्लियस, सब कुछ हो चुका है बच्चों। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में सेल डिवीजन के बारे में, आज के लिए बस इतना ही। किसी को कुछ पूछना हो तो क्वेश्चंस आर वेलकम।